नमस्कार दोस्तों, बोल्डस्काई में आपका स्वागत है। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने दिन की शुरुआत एक कप चाय के साथ शुरू करना पसंद करती हैं, क्योंकि चाय के बगैर वो नहीं रह सकती। प्रेगनेंसी के वक्त वो एक कप चाय बच्चे और माँ की सेहत पर क्या प्रभाव डाल रही है, इसके बारे में प्रेग्नेंट महिलाओं को पता होना जरूरी है। आज का हमारा वीडियो इसी सब्जेक्ट पर है। आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर महिलाएं चाय का सेवन करती हैं तो उससे उनकी सेहत पर क्या असर पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं। तो आपको बता दें, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को चाय का सेवन डॉक्टर की सलाह पर करना चाहिए। चाय माँ और बच्चे दोनों की सेहत पर नकारात्मक असर डाल सकती है, ऐसे में महिलाओं को इसके नुकसान के बारे में पता होना जरूरी है। प्रेगनेंसी के दौरान चाय का सेवन किया जाए तो इसे एसिडिटी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ये अपच, डिहाइड्रेशन, एसिड रिफ्लक्स आदि की समस्या पैदा कर सकती है। अगर महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान चाय का सेवन करती हैं तो इससे शरीर में आयरन की कमी भी हो सकती है। आयरन की कमी की वजह से महिलाओं के एनीमिया की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान चाय का सेवन करती हैं तो इसकी वजह से महिलाओं को नींद न आने की समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। जब व्यक्ति को नींद नहीं आती है तो उसके मूड स्विंग होने लगते हैं, चिड़चिड़ाहट, मोटापा, थकावट आदि समस्याएं भी होने लगती हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान अगर महिलाएं चाय का सेवन करती हैं तो इससे तनाव की समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में महिलाओं को डॉक्टर की सलाह पर ही अपने डाइट में चाय को जोड़ना चाहिए। तो चलिए, आपको ऐसे में ये भी जानना जरूरी है कि प्रेगनेंसी में अगर चाय पीना है तो कितने कप चाय पी सकते हैं। गर्भावस्था में चाय पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, मेजरली अगर आप चीनी और दूध वाली चाय का सेवन करते हैं तो इससे ब्लड शुगर जैसी परेशानी बढ़ सकती है। हालांकि आप ग्रीन टी पी सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक गर्भावस्था में आप पूरे दिन में 3 से 4 कप ग्रीन टी पी सकते हैं। वहीं इस अवस्था में कैफीन 200 mg से कम लेना चाहिए। अगर आप 300 mg से ज्यादा कैफीन लेते हैं तो इससे कई घातक परेशानियां हो सकती हैं। प्रेगनेंसी में आपको ज्यादा से ज्यादा 100 mg कैफीन लेनी चाहिए। इसलिए चाय पीने से पहले आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।